सर्विस स्टेशन पानी का जिया रोकने के लिए वासा मुतहरिक। रिसाइकलिंग प्लांट ना लगाने वाले स्टेशन के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। पानी के बिलों में हर 3 माह बाद 50% इजाफा होगा। वॉकिंग पेपर तैयार, गवर्निंग बॉडी के इजलास से मंजूरी ली जाएगी। समंजार रहमान आबाद हाउसिंग स्कीम में मंचा बम के 9 प्लॉट्स का इंकशाफ। महमूद अशरफ नामी ओवरसीज पाकिस्तानी ने 2003 से 2008 में खरीदे 9 केनाल 10 मरला में से 6 केनाल 3 मरला मंचा बम के नाम ट्रांसफर हुए। 3 केनाल 7 मरला मंचा बम के भाई मुश्ताक बम के नाम पर मुंतकिल। मंचा बम ने जौहर टाउन में 29 केनाल अराजी पर कब्जा किया। महकमा माल की रिपोर्ट। बेहुदा लिबास चलेगा ना फहस जुगत बासी होगी। होशरबा डांस पर नहीं मिलेगा कोई चांस। महकमा दाखला पंजाब का थिएटर इंतजामिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। फनकारों के काबिल एतराज लिबास मुकालमों का नोटिस। मॉनिटरिंग टीम को रोजाना रिपोर्ट देने की हिदायत। तब्दीली आ गई, लाहौर में पहली बार खवातीन पुलिस एहलकारों के नागे लग गए। शहरियों की हिफाजत के लिए लेडीज पुलिस एहलकार चौकस। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 88 एहलकार तैनात। हर नाके पर 2 लेडी एहलकार मौजूद। चंद घंटों में खवातीन एहलकारों ने 872 खवातीन और गाड़ियों की चेकिंग कर डाली। रात गुजरी दिन भी बीत गया। ठोकर न्यास बेग पर किसानों के डेरे। ट्रैफिक ब्लॉक करके एहतजाज और धरना। शुगर मिल्स खोलने खाद सस्ती करने का मुतालिबा। किसान इतिहाद ग्रुप के मुजाहिरीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। मुतालिबा तस्लीम न करने पर शहर में दाखिले की धमकी। पुलिस के साथ मुजाकरात नाकाम। सोलह घंटे से शहर का एंट्री पॉइंट हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक का निजाम दरम भरम। शहरियों का बुरा हाल। मुल्तान रोड केनाल रोड और एतराफ की सड़कों पर पहिया जाम। मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ये सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ना सिर्फ ये देखें कि रेलवे के हवाले से बल्कि आप हर चीज में देख लें कि चीज़ें मेरे ख्याल बढ़ती ही जा रही है। मतलब जो आवाम को है ना मेरे ख्याल हर शोबे में वो पिस रही है। वो इजाफा ठीक है लेकिन अगर आप उसको आवाम की उस पर सहूलियत पे लगाएं तो फिर तो इजाफा है। अदरवाइज इजाफे की यू नो यू आर हर्टिंग पीपल। उनको ऑलरेडी आप मर रहे हैं, मरे हुए को और मारा जा रहा है। महंगे डॉलर के आफ्टर शॉक्स। गरीबों की सवारी भी महंगी। ट्रेनों के किरायों में 10 से 19% इजाफा। लाहौर से कराची ग्रीन लाइन की बिजनेस ट्रेन के किराए में 500 रुपए का इजाफा। कराक्रम एक्सप्रेस का किराया भी 500 रुपए बढ़ गया। कराची एक्सप्रेस बिजनेस एक्सप्रेस शालीमार शाह हुसैन एक्सप्रेस ए स्लीपर किरायों में 670 रुपए का इजाफा। नए किरायों का इतलाक 7 दिसंबर से होगा। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई का जिन बेकाबू। रेल मजदूर इतिहाद भी सड़कों पर। रेलवे हेडक्वार्टर से वाबडा हाउस तक एहतजाजी रैली। टीएलए मुलाजमीन को रेगुलर करने का भी मुतालिबा। पंजाब असेंबली के इजलास में गर्मा गर्मी। लीगी अरकान और डेप्टी स्पीकर के दरमियान तलख जुमलों का तबादला। लीगी अरकान का डेप्टी स्पीकर के रवैये पर एहतजाज। निशस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। नुक्ता इतराज पर बोलने की इजाजत न मिलने पर पैरा अशरफ रसूल ने डेप्टी स्पीकर को फिरौन करार दे दिया। मियां ताहिर जमील का गलत जवाब देने पर इंक्वायरी का मुतालिबा। पंजाब हुकूमत ने दानिश स्कूलों को सफेद हाथी करार दे दिया। दानिश स्कूलों में एक बच्चे पर महाना 18,000 रुपए का खर्चा। सरकारी स्कूल एक तालिब इलम पर 1400 रुपए खर्च करते हैं। दानिश स्कूल बंद करके तलबा को सड़कों पर नहीं फेंक सकते। तलबा को बोर्डिंग मिली है, इन्हें चलाना ही पड़ेगा। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने पॉलिसी वाज़े कर दी। मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आज आता हूँ अखियाँ डिग दिया आजा।
आपका जनाब असेंबली के अंदर इंतजार हो रहा है, बड़े दिन हो गए आप नहीं आए, जनाब असेंबली आपको याद कर रही है। आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, हमजा शहबाज बड़े दिनों से नहीं आए, असेंबली याद करती है। फयाजुल हसन चौहान की हमजा शहबाज को असेंबली इजलास में आने की दावत, बोले जरदारी चाहते हैं हुकूमत से नून लीग जैसा समझौता हो जाए, आपसे डील होगी और ना ढील। अयान अली गवाही देने को तैयार है, जरदारी साहब परेशान है, हकीकत में वजीर आजम इमरान खान ने मिड टर्म इलेक्शन की कोई बात नहीं की। फंड्स की किल्लत, अस्पतालों की बहाली का काम ठप, आईडीए अथॉरिटी ने तामीराती काम रोक दिया। सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद खान राजा का महकमा खजाना पंजाब और पीएनडी को मुरासला, 1.5 अरब रुपए की इजाफी रकम जल्द जारी करने की इस्तदा। माली बहरान, 500 से ज्यादा मंसूबों के लिए फंड जारी ना हो सके, नून लीग दौर के मंसूबों के लिए मुख्तिस 32 अरब 55 करोड़ रुपए में से 18% फंड जारी हुए। खाजा बरादरान को 11 दिसंबर तक जमानत कबलस गिरफ्तारी में तोसी मिल गई, हाईकोर्ट ने नैब को खाजा बरादरान की गिरफ्तारी से रोक दिया। गुज़श्ता समाअत पर आपके पास इनकी गिरफ्तारी की वजूहात नहीं थी, अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार, अपनी नातवा टांगों पर थोड़ा सा बोझ डाले, अदालत का मुकालमा, सर मेरी टांगे मजबूत है, नैब वकील का जवाब, हुकूमत को लोगों का एहतसाब कराने का शौक है, नून लीग निशाने पर है, अगर यकतरफा ट्रैफिक चलानी है तो हम क्या कर सकते हैं, ख्वाजा साद रफीक की हुकूमत पर तंकीद। एलडीए सिटी में अरबों रुपए की करप्शन, अहद चीमा एहतसाब अदालत में पेश, जुडिशल रिमांड में 20 दिसंबर तक तौसी, अहद चीमा की मुश्किलात में मजीद इजाफा, अहम मालूमात नैब के हाथ लग गई, लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन्स का डेटा रिकवर, पैरागोन से मुतालिक 285 फाइल्स रिकवर हो गई, नदीम जिया से मुतालिक भी अहम तफसीलात मौसूल, नैब ने फॉरेंसिक रिपोर्ट जिमनी रेफरेंस में शामिल कर ली। अहद चीमा की वालिदा के नाम पर खरीदी गई जायदाद नीलाम करने का हुकुम, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स का निश्तर टाउन में मौजूद जायदाद की नीलामी के लिए तहसीलदार को निशानदेही का हुकुम,